वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स हियर। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो इसके साथ ही साथ इसके इख्तिताम का सामान भी तैयार कर रखा है और इसका इख्तिताम कयामत है। हमें कयामत की बहुत सी निशानियां बताई गई हैं जिनमें से बाज़ निशानियां पूरी हो चुकी हैं। इन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी है। इसी सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत इस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से मेरे ही नाम का एक शख्स ना पैदा हो जाए जो दज्जाल और दुनिया में फैले सारे फसादात का खात्मा करेगा और उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी होगा। इनके अलकाब अल मेहदी, हज्जत, कायम, मुंतज़िर, साहिबुज़्ज़मान और खल्फुस्सालेह हैं। ताहम इनका सबसे मशहूर एजाज अल मेहदी है। दुनिया में कयामत से पहले कुछ वाकयात रोनमा होने लगेंगे जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि मेहदी अलैहिस्सलाम के जहूर का वक्त करीब है। हदीस के मुताबिक मुसलमानों का एक ऐसा शहर जिसका नाम कुस्तुनतुनिया है, जिसे आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर गैर मुसलमानों के हाथ में चला जाएगा। अभी ये मामला चल ही रहा होगा कि दज्जाल के आने का शोर मच जाएगा। हर उम्मत के नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के जाहिर होने की पेशगोई फरमाई है। दज्जाल की अलामत ये है कि वो एक आँख का मालिक होगा। इसके पास खतरनाक ताकत होगी जिसमें जिंदा को मार देना और मुर्दे को जला देना है। एक तरफ बाघ होगा तो दूसरी तरफ आग। निहायत जालिम और खुदाई दावेदार होगा। जो इस पर ईमान ले आया इसको बाग में दाखिल करेगा, जो ईमान नहीं लाया इसको आग में। मगर अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले इस फितने से महफूज रहेंगे और बेवकूफ लोग इसके झांसे में आ जाएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का मकसद भी यही होगा कि एक बार फिर अल्लाह का नाम दुनिया में गर्दिश करे ताकि कुफार और मुशरिकीन का खात्मा हो। दूसरी हदीस मुबारका में यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान निहायत मुश्किलात से दो चार होंगे, वो अपनी जिंदगी कसमा कुर्सी में गुजार रहे होंगे और इन परेशानियों से तंग आ चुके होंगे, तब मुसलमान सामान्य जंग करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तिहाई मुसलमान शहीद हो जाएंगे जो कि इस दौर के अफजल शोदा में शामिल होंगे, एक तिहाई मैदान जंग से भाग निकलेंगे जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, जबकि एक तिहाई मुसलमान फतह पाएंगे, अल्लाह उन्हें फतेहयाब फरमाएंगे। यही वक्त होगा जब मुसलमान शिद्दत से मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे। इन्हें बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा, लोग इनको पहचान लेंगे और इनको अपना अमीर बनाएंगे। दोबारा इनकी क़यादत में जिहाद शुरू की जाएगी। अहदीस में आता है कि दमशक में लड़ाई जारी होगी। असर की नमाज का वक्त होगा, मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत करने के लिए खड़े होंगे तो अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त हजरत ईसा इब्ने मरियम फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर आसमान से नाजिल किए जाएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम इनको देखकर इमामत करने का इशारा फरमाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इनको ही इमामत करने का कहेंगे। आप फरमाएंगे कि अल्लाह ने मेहदी अलैहिस्सलाम को ही इस मकसद के लिए चुना है। इसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम 3 रोज तक अहले रोम से जंग लड़ते रहेंगे और गलबा हासिल करेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर लेंगे। इस फतह के बाद मुसलमानों को जो माल गनीमत हासिल होगा, इस माल को आपस में तकसीम कर ही रहे होंगे कि एक शख्स चीखता हुआ आएगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल घुस आया है। ये सुनते ही तमाम मुसलमान आप अलैहिस्सलाम के पास पनाह ले लेंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यहूदी, ईसाई, कुफार और दज्जाल का खात्मा करेंगे और अल्लाह के हुक्म से फतह पाएंगे। कयामत के वक्त का तायुन तो कोई भी नहीं कर सकता, मगर मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर पज़ीर होने के बाद ही कयामत वाकई हो जाएगी, जिसकी पेशनगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है, जो सच्ची और खड़ी है। और यूं ये फानी दुनिया इख्तिताम पज़ीर होगी। अभी भी इस सब के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो एक वीडियो में बयान करना मुश्किल है। मज़ीद मालूमात और दिलचस्प फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए।